है सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज की वीडियो में अपन बात करने वाले BMW G310 RR के ऊपर। तो भाई ये जयपुर राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जो लगभग 5000 किलोमीटर चलने वाली, मतलब 200 किलोमीटर बचे हैं एंड ये 5000 किलोमीटर बाइक चलने वाली है। तो ओवरऑल लुकिंग बाइक की कुछ ऐसी है, आपने सबने बहुत वीडियोज़ में देख ली होगी। बाइक अभी थोड़ी सी गंदी हो रखी है, अपन ने इस पर कोटिंग भी करवा दी थी, तो सर बता रहा हूँ कोटिंग करा लेना क्योंकि पहले हमें इस पर बैठते थे ना यहाँ पे स्क्रेचेस वगैरह आ जाते थे, बट अब ऐसा कोई सीन नहीं है। बाइक बड़ी प्यारी हो चुकी है एंड काफ़ी क्लीन लगती है। हल्का सा कपड़ा मार दो इसके ऊपर, पानी से धोने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब कपड़ा मार दो पूरी गाड़ी अच्छी साफ हो जाएगी। तो मैं आपको पहले इसका मीटर दिखा देता हूँ। तो मीटर स्टार्ट होकर कुछ लगता है इस तरीके का एंड आप यहाँ पे भाई इसकी किलोमीटर देखोगे ना भाई, देखो 4733। तो आपको यहाँ पे देखो जूम करके दिखा देता हूँ मैं। तो भाई लगभग 5000 ही मान लो यार, 4733 चल चुकी है ये गाड़ी एंड भाई गाड़ी का परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग सब एक नंबर है। एंड अभी इस गाड़ी को शायद लॉन्च हुए हुए 2 महीने हुए हैं, शायद 1.5 महीने पहले हमने एक गाड़ी ली थी उसमें हमने इसको 5000 पूरी चला दी और मुश्किल से अगले महीने तक इसके 10000 किलोमीटर पूरे के पूरे मेरे को लग रहा है कंप्लीट हो जाएंगे। गाड़ी नो डाउट बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत प्यारी है एंड नंबर आपको दिख रहा होगा 0016, नंबर भी बहुत प्यारा मिला था अपन को एंड नंबर मिला था अपन को किस्मत से। तो मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हमने इसको 5000 जो चलाया है उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा। तो भाई देखो गाड़ी की ब्रेकिंग बड़ी प्यारी है। सबसे पहले मैं आपको इसमें आपको वो दिखाता हूँ मैं गाड़ी की टॉप स्पीड। तो ये देखो गाइस यहाँ पे जाता हूँ मैं, टॉप स्पीड आपको यहाँ पे इसकी दिख रही होगी 176। तो भाई ये 176 से भी ऊपर जा सकती है, इजीली जा सकती है 176 से ऊपर। भाई यहाँ पे रोड नीचे नहीं तो इसको अपन 180 बिल्कुल टच कर देते हैं एंड अभी अपन ने इससे दिल्ली की भी राइड की थी, अप्रॉक्स दिल्ली से आगे भी गए थे हम थोड़ा। तो 780 किलोमीटर की अपनी राइड थी, वो दो जने थे हम, अनिल भी और मैं पिलियन के साथ थी। तो भाई थोड़ा वो देखो डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, थोड़ा सा भी लैग नहीं होता पावर के अंदर अगर आप दो जने भी जा रहे हो। स्पोर्ट्स मोड में हमने चलाई थी इसको, 150-160 इजीली चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ब्रेकिंग की बात करें पिलियन के साथ काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग थी। एक जो प्रॉब्लम होती है कि इसकी अर्बन मोड में मुझे ब्रेकिंग जो है काफ़ी कम लगती है स्पोर्ट्स मोड के कंपैरिजन में। अर्बन मोड में ऐसा लगता है भाई पीछे की ब्रेकिंग बिल्कुल खत्म हो गई है ही नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स मोड जैसे आप डाल दोगे ना ऐसा लगता है भाई ब्रेकिंग ही ब्रेकिंग है गाड़ी के अंदर, जितनी पावर है उससे ज़्यादा गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग है। तो ये सीन है। अब मैं बताता हूँ भाई पेट्रोल, अभी ये जैसे एक दिन में भाई गाड़ी 1300 किलोमीटर चली थी, ये उज्जैन की ट्रिप पे जाके आई थी, इंदौर तक जाके आई थी गाड़ी, तो 1300-1350 कुछ किलोमीटर इसने एक दिन में क्लॉक किए थे गाड़ी ने। 16 घंटे की राइड थी, मैं नहीं गया था, अनिल भी गए थे सिर्फ। तो ये लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये, मतलब अप्रोक्स मान लो 5000 रुपये का पेट्रोल इसने खा लिया। तो एक 310cc के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपके 4-5 हज़ार रुपये में 1300 किलोमीटर की राइड ये कंप्लीट करके दे रही है विद BMW के लोगों के साथ एंड अट्रैक्शन तो काफ़ी मिलते हैं इस गाड़ी को एंड लोगों ही काफ़ी अट्रैक्शन के लिए। तो ये सीन है, अगर आप यार एक गाड़ी ले रहे हो ना तो भाई एवरेज तो बड़ा प्यारा है इस गाड़ी का, बहुत अच्छा एवरेज है। कम से कम आपको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यार देखो मैं इसको अर्बन मोड पे लगा देता हूँ, अर्बन मोड पे अभी ये 25 का एवरेज दे रही है, अभी ये स्पोर्ट्स मोड में चल रही है वैसे तो भैया अर्बन मोड पे तो बहुत कम लगती है, तो स्पोर्ट्स मोड में अभी 25 का एवरेज दे रही है, तो एवरेज काफ़ी प्यारा है गाड़ी का। ले सकते हो, एवरेज का कोई ऐसा इशू नहीं है, प्राइस थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा है लेकिन भाई वर्थ इट है, ले लो सच बता रहा हूँ। अच्छी खासी आपको एक BMW का लोगो मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी एंड बड़ी प्यारी गाड़ी है, जैसे मैंने बताया कि देखो ऑल ओवर इंडिया, अगर इंडिया में किसी ने इतनी गाड़ी चला दी ना BMW G310 RR, तो भाई मेरे को बता देना, मेरे को लिटरली टैग कर देना किसी ने नहीं चलाई होगी, जहाँ तक मुझे पता है फर्स्ट हमारी गाड़ी जो इतनी चल चुकी है एंड गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। बस इसमें एक चीज़ मैं बताऊँगा, अगर गाड़ी को कहीं लॉन्ग राइड पर लेके जा रहे हो ना भाई, एक सीट कवर अच्छा सा है, सीट कस्टमाइज़ बनवा लो इसकी, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी चलने में। तो भाई ये देखो सच बता रहा हूँ, अच्छी गाड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी है। जो ये सोच रहा ना कि भाई अपाची से कंपेयर करके अपाची ले लूँ ये ले लूँ, भाई मतलब ये ले लो, सच बता रहा हूँ थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे बट आपको बहुत अच्छा सीन मिल जाएगा भाई, बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, बहुत अच्छी चीज़ आपके हाथ लग जाएगी एंड गाड़ी आपके ओवरऑल सामने है, मीटर आपके सामने है। कुछ फेकालोजी मैंने इसमें की नहीं, मीटर मैं अपडेट करा नहीं सकता कि भाई उसमें बढ़वा के दिखा दिया एंड कई लोग बोलेंगे भाई इतनी चल ही नहीं सकती, भाई देखो आपके सामने जो भी है तो मेरी ये चल रखी है, देखो वापस एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यही सीन है BMW की थी, 5000 किलोमीटर की ओनरशिप एक्सपीरियंस मुझे जो फील हुआ वो मैंने आपको बताया एंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू गाइस। तो होप से वापस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसका मीटर। तो यहाँ पर आपको देखो 4733.2 एंड स्पोर्ट्स मोड में लगने के बाद कुछ लगती है गाड़ी, ये रेन मोड हो गया,
ये स्पोर्ट्स मोड हो गया। सबसे प्यारा मुझे लगता है इसका ट्रैक मोड। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू गाइस। तो वापस बोल रहा हूँ, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अनिल भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई, मैन वर्सेस बाइक के नाम से आपको दिख जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ गई होगी मेरी और अनिल भैया की, तो दोनों को इंस्टा पे फॉलो कर लेना। तो बाय गाइस।